हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड एमसीक्यूज की। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें प्रोनाउन कौन सा वर्ड है? गर्ल, शी, अ, ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज अ डॉक्टर। इसमें भी वही आंसर आएगा, ऑप्शन बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें कौन सा वर्ड प्रोनाउन है? फुटबॉल, प्लेइंग, ही, इज। इसका आंसर ऑप्शन सी, ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें कौन सा वर्ड प्रोनाउन है? वी, प्लेइंग, क्रिकेट, आर। इसका आंसर ऑप्शन ए, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ गुड सिंगर। कौन सा वर्ड प्रोनाउन है? एम, गुड, आई, सिंगर। इसका आंसर ऑप्शन सी, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम रीडिंग अ बुक। फिर से वही बताना है, प्रोनाउन कौन सा वर्ड है? ऑप्शन सी, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज डूइंग वर्क। तो शी प्रोनाउन है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अ गुड सिंगर। कौन सा वर्ड प्रोनाउन है? सिंगर, गुड, आर, यू। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ टेबल। कौन सा वर्ड प्रोनाउन है? टेबल, अ, दिस, इज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ चेयर। तो फिर से वही सेम, ऑप्शन सी, दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ बुक। तो कौन सा वर्ड प्रोनाउन है? बुक, हैव, अ, आई। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू क्राइंग। कौन सा वर्ड इसमें प्रोनाउन है? व्हाई, आर, यू, नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन सी, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू। कौन सा वर्ड इसमें प्रोनाउन है? हाउ, आर, यू, नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन सी, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। कौन सा वर्ड इसमें प्रोनाउन है? माय, ही, फ्रेंड, बेस्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ही। इसमें माय प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव से पहले है, तो यह पोजेसिव एडजेक्टिव है माय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लिव्स इन अ बिग सिटी। कौन सा शब्द प्रोनाउन है? लिव्स, ही, बिग सिटी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर लिविंग इन अ बिग सिटी। कौन सा शब्द प्रोनाउन है? लिविंग, आर, दे, सिटी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्कूल हैज 20 रूम्स। कौन सा वर्ड प्रोनाउन है? माई स्कूल, 20 रूम्स। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, माय। यहाँ पर माय नाउन वर्ड से पहले आया है, तो इसलिए यहाँ पर ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो कौन सा शब्द प्रोनाउन है? ब्यूटीफुल, वेरी, गार्डन, दिस। इसका आंसर ऑप्शन डी, दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी इज माई सिस्टर, डैश इज वेरी इंटेलिजेंट। फिल इन द ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा? शी, ही, वी, आई। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, शी, क्योंकि माई सिस्टर है और लड़की के लिए हमेशा शी प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज वेरी टॉल, डैश इज वेरी स्मार्ट। तो यहाँ खाली स्थान में कौन सा वर्ड आएगा? ही, शी, वी, आई। इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए, ही, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है और लड़के के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज गुड सिंगर। तो यहाँ खाली स्थान में कौन सा सब्जेक्ट आएगा? यू और ही। यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, ही, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज ए बॉय, डैश इज ए स्टूडेंट। तो यहाँ खालिस्तान में आएगा राम, बॉय,
ही नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन सी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज आर लिविंग इन दिल्ली, तो यहाँ खालिस्तान में आएगा ही वी दिल्ली नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी वी, क्योंकि आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज टेकन फूड, इसमें कौन सा वर्ड प्रोनाउन है? टेकन फूड सी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज प्लेइंग, कौन सा प्रोनाउन आएगा? शी दे वी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सी, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर प्लेइंग, तो इसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही दे शी आई। इसका आंसर ऑप्शन बी दे। आर से हमें पता चल गया है कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर गोइंग टू मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही सी वी नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन सी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ गुड प्लेयर, तो यहाँ इज है, कौन सा प्रोनाउन आएगा? सी ही आंसर सही है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर गोइंग टू स्कूल, ही शी वी आई। इसका आंसर ऑप्शन सी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ टीचर, तो इसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही दे वी आर। इसका आंसर ऑप्शन ए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर गोइंग टू टेम्पल, वी ही शी नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर ऑप्शन ए वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर सिटीजन्स, तो आर आ गया है यहाँ पर, इसका आंसर ऑप्शन ए वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर इंडियंस, कौन सा प्रोनाउन आएगा? वी ही आई शी। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन ए वी, अगर एम होता आई एम इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ईटिंग गवावा, वी ही दे नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन बी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर ईटिंग गवावाज, आई ही दे शी। इसका आंसर ऑप्शन सी दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लव आवर पेरेंट्स, वी ही एम शी। इसका आंसर है ऑप्शन बी वी, क्योंकि लव यहां पर प्लूरल वर्ब है जिसकी वजह से वी प्रयोग में आया। अगर यहाँ पर लव्स होता तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ साइंटिस्ट, ही वी दे नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन ए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर कमिंग टुमारो, शी ही वी इट, तो इसका आंसर ऑप्शन सी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ पुलिसमैन, दे ही वी नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन बी ही। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।